भी एलिगेशन आपका सही नहीं है, एक भी एलिगेशन। भाई बुद्धि नहीं है क्या, कुछ भी बोलने के पहले कुछ भी नहीं सोचता है। आदित्य रंजन छुई धज्जियां उड़ा दूंगा। मैं बात को तुम टीचरों की टिकटॉक हो रहा है, मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक चुरा लिया इस टीचर ने, मैं रो दूंगा भाई। वाले टिकटॉक या टीचर हो, टीचर नहीं सॉरी रील बनाने वाले टिकटॉक या प्लस यूट्यूबर हो। आज मैं एसएससी कंट्रोवर्सी की बात करूंगा। हम मगन प्रताप सर, जो गगन प्रताप सर और आदित्य रंजन सर दोनों के बीच में हो गया भाई महायुद्ध। तो ये देख सकते हो दोनों के बीच अब किसके हुआ है रिगार्डिंग थार के, यानी कि महिंद्रा थार, यानी कि वो देंगे कि वो देंगे, इन दोनों के बीच अब घोर घमासान युद्ध हो गया है। इसी के बलते वो अलग से वीडियो बना रहे हैं, वो अगले अपने प्लेटफॉर्म पर डाल के वीडियो बना रहे हैं। आदित्य रंजन सर देखिए, मैं भी उनसे पढ़ा हूं, मैं भी पहले उनका बैच लिया था 1600 रुपए में, और गगन प्रताप सर का भी मैंने ही बैच लिया था 1650 रुपए, मतलब दोनों का ही बैच मैं पढ़ चुका हूं। अब मुझे तुम बताना कि सबसे बेस्ट कौन पढ़ाते हैं। देखिए सब लोगों का अलग अलग होता है पढ़ाने का रंग, लेकिन मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं आदित्य रंजन सर का जो बैच है, मुझे पढ़ाने का तरीका उनका बहुत अलग लगा था, और ऐसे ही पढ़ाने का उनका भी सही है। लेकिन क्या होता है, जो बिगनर होते हैं ना, बिगनर लोगों की उनकी समझ में नहीं आता, वो पहले से ही एडवांस लेके चलते हैं, वो जो है गगन प्रताप सर जो पहले से ही बहुत एडवांस लेके चलते हैं। अब कंट्रोवर्सी हुई है ये, मैं आपको बता दूं क्या हुई है, कि थार जो आदित्य रंजन सर ने बोला था कि देखिए, पहले तो गगन प्रताप सर ने बोला कि जो कोई एयर वन आएगा उसे हम थार देंगे, लेकिन उन्होंने बता रहे थे, आदित्य रंजन सर बता रहे थे कि फिर उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दी कि थार वो वहां से ले लेंगे, और उसके बाद उनसे जो बातचीत है डिस्कशन है प्यार मैं ले लूंगा, थार नहीं हम प्यार देंगे, गगन प्रताप सर ने फिर ये बोला। फिर वही जो है आदित्य रंजन सर ने फिर दोबारा वीडियो बनाई, तो दोबारा और जोश टॉक में भी आके उन्होंने बोला, और उन्होंने वहां पर भी पर्सनली बोला कि हम 30 थार देंगे। 30 थार, जी हाँ बिल्कुल, TGL, CHSL, CPO, ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक जिसका भी आएगा उसको मैं एक थार गिफ्ट करने वाला हूँ, यानी कि 30 थार देंगे, उन्होंने ये तक बोल दिया 30 थार, यानी कि जो MTS एयर वन आए या SSC CGL एयर वन आए, मतलब कोई भी एयर वन आए SSC में, उनको लगातार जो टॉप वन होंगे SSC की तरफ से, उन्हें हम थार देंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, वो हमारे वेज से परचेज होना चाहिए, उन्होंने ये बोला है। और गगन प्रताप ने फिर हो गई है इन दोनों में कंट्रोवर्सी, और यार बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, बहुत ज्यादा। इस वजह से हुई, बस यही वजह से कि उन्होंने थार दिए, उन्होंने नहीं दी, फिर इन दोनों में हुआ है भाई घमासान युद्ध। वो अलग अपने प्लेटफॉर्म पे गाली गलौज कर रहे हैं, वो अलग अपने प्लेटफॉर्म पे गाली गलौज कर रहे हैं। देखिए भाई, मेरे हिसाब से ये लोग हैं जो टीचर, हम लोग हैं इनके स्टूडेंट, तो भाई ऐसा देखिए, टीचर हम हमारी मर्जी, हम कहीं से भी पढ़े, हमारा वो है, लेकिन इन लोगों को फालतू की ये कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए भाई। अब देखिए देखिए पढ़ाने का सारे लोगों का ढंग अलग अलग होता है, कोई किसी से पढ़ता है, कोई किसी से पढ़ता है। आप लोग भी पहले 8th तक क्लास तक पढ़े होंगे मैथ वाले सर से, तो आप लोग भी किसी अलग से ही पढ़े होंगे, ये तो नहीं है कि भाई एक से ही टीचर से पढ़े हो। अब सब लोग अलग अलग टाइप से समझते हैं, समझने का तरीका वही है। अब मुझे ये बताओ, अभी हम इन दोनों में वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, गगन प्रताप सर वर्जिस आदित्य रंजन सर, इन दोनों में हम जो है टेस्ट लगवा दें SSC CGL का मैथ का, तो कौन पहले निकालता है, यानी कौन पास होता है, यानी कि कौन होशियार है इन दोनों में से मैथ में, हम ये जानना चाहते हैं। क्या बता सकते हो कौन होशियार है इन दोनों में से मैथ में, बस हम ये जानना चाहते हैं, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है यार। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय दें कि कौन ज्यादा होशियार है। देखिए बात आई थार की, ये बात हुई थी इन दोनों में, थार के ऊपर ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, और बहुत घमासान कंट्रोवर्सी शुरू हुई। आप लोगों का क्या ख्याल है, आपका कौन मनपसंद टीचर है, आप मुझे बताएं, गगन प्रताप सर है या आदित्य रंजन सर है, नीचे कमेंट सेक्शन ऊपर रहता है, कमेंट करें, क्योंकि हम भाई दोनों के बहुत अच्छे वो हैं, ये समझ लो स्टूडेंट, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब सबसे ज्यादा मैं क्लोज इनके रहा हूं ना, ज्यादातर आदित्य रंजन सर के, क्योंकि वो उनके पढ़ाने का ढंग वो पहले से, जैसे हम नहीं है लोअर क्लास फैमिली से उठे हैं, ऐसे ही है वो। और जो थोड़े जो तुम्हारे गगन प्रताप सर है, वो पहले से ही पैसे ठीक ठाक थे, तो इसीलिए, लेकिन कोई नहीं, पढ़ाने का इनका भी ढंग ठीक है, पढ़ाने का उनका भी ढंग ठीक है। तरीका आपका आना चाहिए कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है, मुझे ये बताएं कि आपको फेवरेट टीचर दोनों में से कौन सा है, कमेंट सेक्शन ऊपर रहता है, कमेंट करें, थैंक यू।